देखिए ये जो ये क्या है, ये कंद है। ये कंद को क्या करा है हमने, इसको पन्नी में, इसको क्या करते हैं लोग मतलब इसको पन्नी में भी इसको ग्रोथ करवा सकते हैं। ये कंद है देखो, इसको क्या करेंगे यहाँ से निकाल कर इसको खेत में लगाएंगे। ये ऐसे इसको आप बना सकते हो, और ये देखिए ये ऐसे इसको लगाया जाता है, ये ऐसा ग्रोथ करता है। इसको क्या करें आपकी पन्नी पॉलीथीन में इसको ग्रो करे, और वह पॉलीथीन को फाड़ कर गड्ढा खोद कर, थोड़ा ज़्यादा गड्ढा ना करे, थोड़ा सा गड्ढा करे, और उसको गड्ढे में क्या है कि कीचड़ बना के ही आप उसको लगाए, ऐसे ना लगाए। और उसके बाद तुरंत ड्रिप अगर आपने बिछा के रखी है तो ड्रिप पहले से ही चालू करके रख दे, और उसको अच्छे से मतलब भिगो के रखे पूरे खेत को, और ऊपर उसके बाद में भी ड्रिप को चालू करके रखे। उससे क्या होता है कि ये जो है ये पौधा है ये ख़राब नहीं होता है। तो ये जो इसकी जड़ें हैं ये ज़मीन में अपने आप जल्दी से ग्रोथ कर लेती है। देखिए अभी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है ये पौधा, तो इसके जड़ों का विकास इतना अच्छा हो गया है, कितनी तरह अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको ऐसे लगा दे और कीचड़ वगैरह बना के ऐसी मिट्टी वगैरह, और केवल इसको ये यहाँ तक ही, इसको यहाँ तक नहीं ढकना है उसको आपको। इसको क्या करना है, इसको ही केवल इतना ही, केवल जितनी जड़ें हैं उतना ही इसको मिट्टी में ढकना है। उससे क्या होगा कि ये खुद ग्रोथ होंगी इसकी, खुद ये बढ़वा करेगा। और एक बार अपने खेत में ये लगने के बाद अगर सेट हो गया तो फिर इसके बाद अपने को खेत में घुसने की कोई मतलब इसको फिर से दूसरा पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मतलब फिर भी कुछ क्या होता है, खैर कई कई जगह सुअर फेंक देते हैं या फिर खुद सूख जाता है या कीड़ा लग जाता है, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, उसके लिए फंगिसाइड वगैरह कुछ उसके निवारण के लिए आप दवाई वगैरह डाल सकते हो। वूमिक हो गया या अपना साफ पाउडर हो गया, ये एंड्राकोल वगैरह ऐसा ये सब ऐसे देने से उसका क्या होगा कि उसमें एक तो कीड़ा नहीं लगेगा, और वूमिक से क्या उसमें जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे मतलब ये तो अभी हमारे यहाँ बच गया है लगाने के बाद में, तो हमने इसको ऐसे ही रेन दिया, जहाँ वगैरह हमको काम पड़ेगा हम इसको यहाँ उखाड़ के लगाएंगे। तो ऐसे इसको तैयार करने से बहुत ही अच्छा होता है। देखिए कितना अच्छी तरह से सेट हुआ, कितना बड़ा बड़ा हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा हुआ है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो पौधा रहता है एक साइज का पौधा आप अलग अलग पंक्ति में लगा सकते हैं, और एक साइज का पौधा अलग पंक्ति में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो एक लाइन की एक साइज की पंक्ति है वो एक जैसे उसके क्या होगा फ्लावरिंग होंगी, और फ्लावरिंग होने के बाद क्या होगा कि मतलब एक जैसा फ्लावरिंग होने से जल्दी से ये खेत में बढ़िया क्या होगा कि जैसे फ्लावरिंग एक साथ होती है तो उसमें फल भी एक साथ बनेगा, और एक साथ खेत खाली होगा। जैसे इसमें क्या रहता है, एक आता है टिशू कल्चर भी होता है, टिशू कल्चर और कंद में केवल इतना फ़र्क होता है कि टिशू कल्चर क्या होता है कि वो मतलब एक सरीका खेत में खाली हो जाता है, लगाने के बाद क्या होता है कि बहुत ही जल्दी वो खेत में फ्लावरिंग करता है, और एक साथ उसमें फल बनता है, और एक साथ वो मतलब पूरा खेत खाली होता है। तो अपने को नए फसल लगाने के लिए भी अच्छा रहता है, या फिर कई जगह पर क्या होता है पीलबाग लगाते हैं मतलब पीलबाग उसका जो साथ में जो बच्चा रहता है उसका, जैसे ये आप देख रहे हैं ये पौधा है ये इसका बच्चा है, इसका ये मेन है और ये इसका बच्चा है। तो ये क्या होगा अभी तो फिलहाल इसको काट देंगे, और जो मुख्य पौधा है इसका ये बच्चा है, ये जो बच्चा है इसको हम ऐसे अलग से छोड़ देंगे, और ये जब बड़ा होगा तब क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, ये फ्लावरिंग करेगा तब ये लगभग ये इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक इसकी हाइट आ जाएगी। तो क्या होगा कि ये कटेगा तो फिर ये इसकी जगह ले लेगा, इसको क्या करेंगे तो फिर इसका जो पूरा
ये अर्क है, मतलब इसका जो असर है पूरा ये इसमें 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 आएगा। और फिर ये इसका जो पूरा भोजन है, मतलब इसमें ये जो है पूरा ये जो दिख रहा है ये पत्ती ये सब, ये सब ये भोजन है। तो ये इसमें से पूरा ये इसको भोजन मिलेगा। जब ये कब, जब इसका एक फल कट जाएगा, इसका ये कटने के बाद है तो ऐसे, मतलब इसको पिल बाग बोलेंगे। ये जो निकलेगा और इसका ये ऐसा मुख्य पौधा बनेगा तो उसको पिल बाग बोलेंगे। तो कई जगह पर क्या होता है कि इसके पिल बाग भी बनाते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।